फ्रेंड्स वेलकम टू मंजूस किचन। गाइस आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी फेवरेट डिश की रेसिपी पकौड़ा कढ़ी। ये पकौड़ा कढ़ी माय मॉम्स रेसिपी है और मैं अपनी एक खास फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे ये रेसिपी लेकर आई हूँ। सो गाइस अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये पकौड़ा कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए गाइस बनाते हैं पकौड़ा कढ़ी। पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। मैंने 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है। दही, दही को मैंने पतला कर लिया है, बटर मिल्क में कन्वर्ट कर लिया है। और छौंक के लिए कुछ मसाले, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून जीरा, 4 से 5 करी लीफ और 4 से 5 अजवाइन लीफ। अजवाइन लीफ अगर आपके पास नहीं है तो आप अजवाइन डाल सकते हैं। बेसन का हम एक सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बेसन का मैंने सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है, ना ही हमें इससे ज़्यादा पतला करना है ना ही मोटा। बेसन के इस बैटर में मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड 1/4 टीस्पून मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1/4 टीस्पून मैं जीरा ऐड करूँगी, क्यूमिन सीड्स एंड 1/4 टीस्पून मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे तब तक फेंटना है जब तक इसमें बबल्स ना आने लगे। और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसको। जितना ही आप इसे स्मूथ पेस्ट बनाएंगे उतने ही सॉफ्ट आपके पकौड़े बनेंगे। पकौड़ा कढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पकौड़े बनाने हैं। गाइस मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और पकौड़े के लिए बेसन भी अच्छे से तैयार है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। इस तरह से सारे पकौड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम गैस फ्लेम हाई करके जब तक ये एक साइड से हार्ड नहीं हो जाते तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं, क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है। अगर हम पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब हम इन्हें धीरे धीरे एक एक करके पलट देंगे। एक साइड से ये थोड़े से टाइट हो गए हैं, पलटने की कंडीशन में हो चुके हैं। ये देखिए गाइस कैसे ऊपर जाली जाली बबल्स आए हैं। इसका मतलब कि बैटर हमारा अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना है, जिससे कि पकौड़े भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, अंदर से एकदम स्पंजी हैं ये। इस तरह से हम इनको पलट कर दूसरी साइड भी सेक लेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकने हैं। इस तरीके से आप से दूसरी साइड भी अच्छे से इन्हें सेक लीजिए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन दूसरी साइड भी ना हो जाए। इसी तरह से आपको सारे पकौड़े सेक लेने हैं। इस तरीके से सारे पकौड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। गाइस ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और तोड़ के दिखाते हुए अंदर तक एकदम बेक हो चुके हैं। ये देखिए गाइस एकदम अंदर तक सेक चुका है, अच्छे से जाली जाली आया है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम कढ़ी के लिए बैटर रेडी कर लेंगे। हमने जितना बेसन पकौड़े के लिए लिया था उसका जस्ट हाफ मैं कढ़ी के लिए बेसन का बैटर बनाऊंगी। गाइस इसके सारे लम्स ख़त्म करने हैं जितने दिख रहे हैं और इसका पतला घोल बनाकर रेडी कर लेना है। इसके लिए हमें ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं है कढ़ी के लिए। अब हम इसमें बटर मिल्क डाल करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें अभी भी लम्स दिख रहे हैं इसलिए हम इसे मथानी से अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी बेसन के साथ जितने भी लम्स दिख रहे हैं, गांठें दिख रही हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। इसका स्मूथ और पतला डो बना लेना है। और हम बटर मिल्क इसमें ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा बेसन नहीं लगता है कढ़ी के लिए। मैं उसी कढ़ाई में कढ़ी बना रही हूँ जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें
1/4 टीस्पून जो मैंने मेथी दाने लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ में जीरा और हींग, इसके साथ ही मैं करी लीव ऐड करूँगी, और ये 3 से 4 अजवाइन लीव है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से सौते कर लीजिए, और 1 चिली, इसको भी अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी, और इसको अच्छे से ऑयल में सौते कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इस हल्दी को अच्छे से हम पका लेंगे पानी में। हल्दी को अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें जो ये मैंने दही और बेसन का बैटर बना के रखा है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और एक चम्मच से चलाते जाऊँगी जिससे कि ये जो बैटर है कढ़ाई में नीचे ना लगे, और जो ये बटर मिल्क मैंने रेडी किया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। गाइस अच्छे से आपको इसे चलाते जाना है क्योंकि ये कढ़ाई में लगने लगता है तुरंत बेसन, तो आपको प्रॉपर चलाते जाना है। और दूसरा कि ये दही जो है वो गर्म होने के बाद फटता है, तो इसलिए फटे ना, इस वजह से भी हमें प्रॉपर, और ये और भी हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, और इसे चलाते जाइएगा। हमें कढ़ी काफ़ी पतली बनानी है, आपको जैसी बनानी है आप वैसी रख सकते हैं, अगर थिक रखनी है तो कम पानी डालिएगा अपने मेजरमेंट के हिसाब से। मुझे थोड़ी पतली रखनी है इसलिए मैं पानी और ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास के अप्रॉक्सीमेट, और इसे एक अच्छे से उबाल आने तक हम पकाएंगे प्रॉपर चलाते हुए। और साइड में जो लगा हुआ है उसको भी आप निकाल दीजिए, हाई फ्लेम करके आपको इसमें एक अच्छे से उबाल लानी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है कढ़ी। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, आपको जैसा तीखा पसंद है आप उस हिसाब से चिली पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, कर लेना है। और गाइस एक उबाल आने तक आप इसको हाई फ्लेम में रखिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम करके आपको ये कढ़ी पका लेनी है। कढ़ी में उबाल आने लगा है, अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम करके कढ़ी को पकने देंगे। स्लो फ्लेम में पकने से कढ़ी बहुत अच्छे से पक जाती है और इसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। अब हम इसे ढक देंगे और पका लेंगे इसे। बीच बीच में आपको कढ़ी को चलाते रहना है जिससे कि नीचे लगे ना, ये बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट और इसे पका लेंगे हाई फ्लेम में करके। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं गाइस, कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। मैंने पकौड़े स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और पकते पकते पकौड़े भी सारे इसी में गल जाते हैं, इसलिए इनको हमेशा लास्ट में ही डालना है। अब पकौड़े डाल के हम 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे कढ़ी को, और उसके बाद गैस हम बंद कर देंगे। हम पकौड़े डाल के ज़्यादा देर कढ़ी को नहीं पकाएंगे, अदरवाइज पकौड़े सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम कढ़ी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए गाइस कढ़ी बनकर एकदम रेडी है। कढ़ी इस तरह से मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर ली। कढ़ी के लिए तड़का रेडी कर लेंगे। तड़के के लिए हम 1/4 टीस्पून मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। गैस फ्लेम बंद कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हींग ऐड की है, चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, और एक ये रेड चिली ड्राई वाली, इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। तड़के को हम ऊपर से डाल देंगे। कढ़ी बनकर एकदम रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, दोनों के साथ खा सकते हैं। ये दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई करिएगा,
और बताइएगा कि कैसी बनी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।